सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तो अपने सभी क्षेत्र के लोगों से, वार्ड के लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि ईद मनाएं, खुशी का त्यौहार है, अच्छे से मनाएं, लेकिन साथ साथ साफ सफाई का और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग बीमारियों से बाहर निकले हैं, तो ऐसा ना हो कि थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो इस वजह से सभी लोग दो गज की दूरी बना के रखें, मास्क को पहन के रखें, हाथों को बार बार धोते रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यही मेरी सभी से, सभी क्षेत्रवासियों से अपील है। और साथ ही साथ ईद पर मैंने भी अपने वार्ड के अंदर कोशिश की है पहले की तरह व्यवस्था को बनाने की, कि अच्छे से सारी चीज़ों की साफ सफाई की व्यवस्था जो ईद के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस पर मेरे क्षेत्र के लोगों को ईद मनाते वक्त किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जगह जगह ऑटो टिपर खड़े करने की व्यवस्था की गई है। वो आज ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पे डाल दूंगी, सबको पता लग जाएगा। जगह जगह बड़े डंपर खड़े मिलेंगे, पॉलीथीन बैग जो हर साल बटा करते हैं, वो पॉलीथीन बैग अभी तक EDMC ने, अब आज ईद से पहले का दिन है और लगभग 12:30 बज चुके हैं, अभी तक पॉलीथीन बैग EDMC की तरफ से नहीं आए हैं। तो अगर आ चुके होते तो मैं एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी होती। तो अभी उनको फिर से मैं बार बार उनको याद दिला रही हूँ, उनको फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भाजपा शासित MCD की के अंदर करनी और कतनी में कितना फ़र्क है इनकी। ये लोग ऐसे चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, और क्योंकि असलियत में लोग परेशान हो, भाजपा का क्या जा रहा है, भाजपा का तो कुछ नहीं जा रहा, उन्हें लोगों की दिक्कतों से, परेशानियों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बार बार हम लोग इस बात को कहते भी हैं कि ईद आ रही है, साफ सफाई व्यवस्था को रखने के लिए, आपके स्वच्छ भारत अभियान को सही रखने के लिए हम लोगों को ताकत झोंकनी पड़ रही है। तो आप देखिए, वैसे तो सफाई व्यवस्था सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी रूप से ये उस काम को नहीं करते। पॉलीथीन बैग आज से 4 दिन पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक भी हमारे पास नहीं आए। अभी 20 तारीख है और 20 तारीख 12:30 बज रहे हैं इस वक्त, अभी तक भी पॉलीथीन बैग हमारे पास नहीं है। अब मैं बार बार बात कर रही हूँ तो बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, जी आएंगे आएंगे आएंगे, और आएंगे भी तो मुझे मालूम है कितने थोड़े से आएंगे, वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकते। ये अच्छा, मेरा स्टैंडिंग कमेटी में मैंने ही ये क्वेश्चन लगाया था, ये अपना प्रस्ताव लगाया था कि इस तरह पॉलीथीन बैग या कोई भी थैले नुमा बड़ी चीज़ें बांट के, और हम लोग जो भी ईद के दिन जो भी मटेरियल होता है उसको उसमें डालने के बाद ना किसी को दिखाई देगा और ना कुछ पता चलेगा, ना गंदगी फैलेगी, ना बीमारियां फैलेंगी। तो वो सुझाव भी मेरा था, प्रस्ताव भी मेरा था, और वो इन पास भी हुआ स्टैंडिंग कमेटी में। पास होने के बाद वो एरिया के अंदर आए भी, लेकिन आप अब अगर मेरे पास पॉलीथीन बैग आ चुके होते तो मैं उनकी क्वालिटी आपको दिखाती। हर साल आते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में आते हैं और क्वालिटी बेहद घटिया होती है। इस बार अभी तक नहीं आए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती कि कैसी उनकी क्वालिटी होती है। तो मेरा EDMC से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग अगर किसी भी काम को करें तो उसको सोच समझ के करें, कि आपका पैसा भी खर्च हो रहा है और लोगों का भला भी नहीं हो रहा, उसका फायदा क्या है। वैसे तो अगली ईद तक, जो अगले साल की ईद आएगी, उस ईद तक तो EDMC के अंदर भाजपा वालों को दोबारा से ये काम करने का मौका दिल्ली के लोग नहीं देंगे। वो जानते हैं कि ये बैठे रहे तो ये किसी को कुछ करने देंगे ही नहीं। पर आम आदमी पार्टी की MCD के अंदर सरकार होगी, आम आदमी पार्टी का मेयर होगा, आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होगा, आम आदमी पार्टी का जोन चेयरमैन होगा। तो उस वक्त फिर आप उसकी क्वालिटी भी देखना और क्वांटिटी भी देखना, हर काम को करने का तौर तरीका भी देखना। तो जनता इनको जल्दी से ही इस बात को बता देगी कि आप लोगों ने काम नहीं किया, आपके निकम्मेपन की वजह से हम आपको उतार के सीट से किसी और को बिठा रहे हैं। लास्ट में चलते चलते एक बार फिर से सभी क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।